हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एम के आर किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं एम के आर किचन में पास्ता। ये रेड सॉस पास्ता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। हम गैस ऑन कर देते हैं और पानी चढ़ाएंगे। पानी उबलने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे और ऑयल डालेंगे। इससे क्या होता है कि वो खिला खिला रहता है पास्ता। ये 500 ग्राम पास्ता है। अब हम बॉईल करेंगे। मिलाएंगे। पास्ता को हमें 80% कुक करना है क्योंकि हमारा ये बॉईल हो चुका है। अब हम छानेंगे। हम छान लेंगे और ठंडा पानी से इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे क्योंकि इसकी गर्मी ना रहे, नहीं तो ये और ज़्यादा पक जाएगी। इसीलिए हम ठंडे पानी से धो लेंगे। अब इसे हम सुखाने के लिए रख देंगे। होने के बाद अब हम डालेंगे बटर। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि बटर ना जले, इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें। अब हम डालेंगे लहसुन 2 चम्मच। फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे चॉप किया हुआ ऑनियन। प्याज को हमने चॉप कर लिया है, इसे भी हम फ्राई करेंगे। हरी मिर्च को भी हमने चॉप कर लिया है, इसे भी डालकर फ्राई करेंगे। अब हम गाजर को डालेंगे 1 कप। स्वीट कॉर्न डालेंगे। रेड शिमला मिर्च डालेंगे 1/2 कप। येलो शिमला मिर्च भी हम डालेंगे थोड़ा सा। और सब सारी चीज़ों को मिलाएंगे। हमें सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम शिमला मिर्च डालेंगे हरी वाली, इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। ये टमाटर को हमने प्यूरी बना लिया था, इसे भी हम ऐड करेंगे। सोया सॉस डालेंगे 1 चम्मच। चिल्ली सॉस डालेंगे, रेड चिल्ली सॉस भी हम डालेंगे 2 चम्मच। और ये पास्ता और पिज्ज़ा वाला सॉस है, इसे भी हम डालेंगे 2 चम्मच। सारी चीज़ों को मिलाएंगे। शक्कर डालेंगे 1 चम्मच क्योंकि ये बैलेंस करता है। अब हम डालेंगे केचप, टमाटर केचप हम डालेंगे 2 चम्मच। और विनीगर डालेंगे और ब्लैक पेपर 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स 2 चम्मच, मिक्सअप्स डालेंगे 1 चम्मच। इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे। बटर में नमक होता है तो इसलिए आप नमक देखकर डालिएगा। अब हम पास्ता ऐड करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को मिलाएंगे अच्छी तरह से। अगर आप चाहो तो मेयोनीज भी ऐड कर सकते हो। इसे मिलाने के बाद हम चीज़ को ऐड करेंगे।
प्रोसेस चीज है, उसे हम ऐड करेंगे। अब हम पास्ता मसाला भी डालेंगे। ये आपको मिलती है पास्ता मसाला, किसी भी स्टोर में आपको मिल जाएगी। इसे डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली में और आपके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए